एक्सरसाइज 3.2 विस्थापन विधि पर है। विस्थापन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस विधि को सॉल्व करने का कोई स्टेप तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज के और उसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया गया है। तो विस्थापन विधि में करना क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। तो करना क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर 14। इससे क्या करेंगे, एक्स या वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो x इक्वल टू 14, y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन आया है इक्वेशन नंबर 1 से आया है, तो इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो देखो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, जब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, पहले हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, माइनस वाई पहले से यहाँ है, इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। आगे क्या करेंगे, 14 4 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, और माइनस 2y को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2y। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 2y। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा y इक्वल टू 10/2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5। अभी तक हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, जो भी तुम्हें आसान लगे। मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज़ कर रहा हूँ, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हो जाएगा 14 माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो और उस वैल्यू को किसी दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो इस तरीके से विस्थापन विधि का यूज़ करके आप रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। तो इसे पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस माइनस टी इक्वल टू 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ध्यान देना कि यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है नॉर्मल दिया हुआ है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो बटा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लाएंगे रैखिक के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में।
तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3t डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t, 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 36। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब करना क्या है, विस्थापन विधि में करना क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से s या t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, तो जो भी तुम्हें आसान लगे उसका इस्तेमाल करो। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आसान लग रहा है, तो हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करें। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पर s इक्वल टू निकाल रहा हूँ, माइनस टी इस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब ध्यान देना कि ये जो इक्वेशन आया है इक्वेशन नंबर 1 से आया है, तो इसे हमें किस में पुट करना है, 2 में पुट करना है, 1 में पुट नहीं करना है। yes. तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। पहले समीकरण 2 हम लोग लिख लेते हैं क्या आया है, चूंकि 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, एस की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी लिखेंगे, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस टी, एस की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ पर 3t पहले से है इक्वल टू 36। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। तो समझ में आ रहा है, yes. कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 5t इक्वल टू 36, 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6, 5t इक्वल टू ये आ जाएगा 30, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, तो t इक्वल टू आ जाएगा 6। अभी तक हमने t की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, हमें s की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, तो जो भी इक्वेशन तुम्हें आसान लगे उसमें t की वैल्यू को पुट कर दो और s की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। मुझे इक्वेशन नंबर 3 आसान लग रहा है, तो मैं इसमें t की वैल्यू को पुट करूँगा। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया है, s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 t की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। इसको छाप लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, क्या दिया है देखो ध्यान से, 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि x बराबर या y बराबर आपको निकाल लेना है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3। मैं यहाँ पर y बराबर निकाल रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y बराबर निकालो, जो भी तुम्हें लगे उसके बराबर आप निकाल लो। 3x, 3 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3, और माइनस वाई को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है।
इक्वेशन नंबर वन में नहीं पुट करना है। क्यों नहीं पुट करना है? क्योंकि यह जो इक्वेशन आया है इक्वेशन नंबर वन से ही तो आया है, अगर आप उसी में पुट करोगे तो क्या होगा, आंसर आपका गलत आएगा। तो इसको हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर टू में। तो लिखेंगे आगे, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर। तो पहले हम समीकरण दो लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा 9x माइनस 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से 3x माइनस 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 9। ध्यान से देखोगे तो प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, 9 इक्वल टू 9 मिल रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर ना तो x की वैल्यू आ रही है ना तो y की वैल्यू आ रही है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आगे लिखना क्या होता है, आगे आपको लिखना होता है कि यह एक असत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखोगे, समीकरण एक और समीकरण दो का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया था, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ना तो आपको x बराबर ना तो y बराबर मिल रहा है, तो आप उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, लिख लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया है, ध्यान से देखो क्या दिया है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन दिया है यहाँ दशमलव में दिया है, पॉइंट में दिया है, तो पहले हमें इसका दशमलव हटाना है। अब दशमलव कैसे हटाओगे, तो जितने पॉइंट के बाद अंक हो उतने से गुणा करो। जैसे मान लो कि यहाँ 0.2 दिया है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो आप 10 से गुणा करो। मान लो कि अगर ये ऐसे कुछ होता 0.23x, तो यहाँ पर दशमलव दो अंक के बाद लगा है, तो आप किससे गुणा करते, 100 से। मान लो कि यही कुछ इस तरीके से होता 875, दशमलव जो लगा है तीन अंक के बाद लगा है, तो आप कितने से गुणा करते, 1000 से, ठीक है ना। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे इसका दशमलव हटाने के लिए, ठीक है। तो पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो 10 से जब गुणा करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया है। यहाँ पर भी जो दशमलव लगा है एक अंक के बाद लगा है, तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमें विस्थापन विधि का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x बराबर या y बराबर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन नंबर 1 ही लो हर बार, आप 2 से भी निकाल सकते हो, जो भी तुम्हें आसान लगे। समीकरण 1 से क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 30।
तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3y। लेकिन ध्यान देना यहाँ x के साथ 2 भी है, हमें x बराबर चाहिए या y बराबर चाहिए, तो उसके साथ कोई भी नंबर वगैरह नहीं रहना चाहिए। इस नंबर को हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड 2, नीचे चला जाएगा ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। 1 में नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 जो आया है इक्वेशन 1 से ही तो आया है ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। पहले हम लोग समीकरण 2 लिख लेते हैं, क्या दिया है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हमें करना क्या है, 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली टर्म लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 2, क्या बचेगा, 2 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। समझ में आ रहा है, yes, कोई डाउट, नो सर, ठीक है। क्या करेंगे, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो जाएगा 26। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, ये हो जाएगा 23। कोई डाउट, हमें वाई बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 26, 23 को इस साइड ले लो तो ये हो जाएगा -23, माइनस वाई उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई। कोई डाउट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3, यानी कि वाई की वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसी भी एक इक्वेशन में हम इसको पुट कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 में पुट करो, 2 में पुट करो, 1 में पुट, किसी में भी रख दो और x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, जो भी तुम्हें आसान लगे। मैं क्या ले रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 ले रहा हूँ, समीकरण 3 से क्या दिया है, समीकरण 3, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बराबर 2, 13 माइनस 3y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड बाय 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 13 ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 बटा 2, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 13 में से 9 जाएगा 4, बचेगा कितना नीचे 2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आता है यानी कि आपकी वैल्यू सही है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू बराबर है, ठीक है ना, कोई डाउट, चाहिए तो चेक करके देख लेते हैं। हमारी एक्स की वैल्यू 2 आई है और वाई की वैल्यू 3 आई है। इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, 2 एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए, यानी कि 13 आना चाहिए। ये कितना है, 4 है, ये कितना हो जाएगा, 9, देखोगे तो 13 आ गया, और यहाँ पर भी 13 पहले से दिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमने ये जो वैल्यू निकाला है वो सही है,
इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो आप पहले इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है, करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर 0 दिया है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण को विस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो विस्थापन विधि में क्या करना होता है, किसी भी एक समीकरण से पहले x बराबर या y बराबर मान निकाल लो। तो मैं समीकरण 1 यूज़ कर रहा हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया है, करणी में 2x प्लस करणी में 3y बराबर 0। करणी में 2x, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस करणी में 3y। हमें x बराबर या y बराबर चाहिए होता है तो x के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए या y के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर x बराबर चाहिए तो करणी में 2 को साइड हटाओ, तो ये हो जाएगा माइनस करणी में 3y, ये नीचे चला जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब हमें करना क्या है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 3 जो आया है वो समीकरण 1 से ही तो आया है, ठीक है ना। अगर आप समीकरण 3 का मान 1 में रख दोगे तो आंसर गलत आएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया, पहले उसे लिख लेते हैं, करणी में 3x माइनस करणी में 8y बराबर 0। करणी में 3x की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस करणी में 3y बटे करणी में 2 माइनस 8 करणी में y इक्वल टू 0। इस समीकरण को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। करणी में 3 गुणे माइनस करणी में 3y बटे करणी में 2, ये हो जाएगा करणी में 8y बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करणी में 3 गुणे करणी में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस वाई बटे करणी में 2, ठीक है। किसी भी संख्या का करणी में 2 बार गुणा हो, सेम संख्या अगर हो, जैसे मान लो करणी में 3 गुणे करणी में 3 है तो इसे एक बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सेम संख्या होनी चाहिए। ये क्या है, माइनस करणी में 8y बराबर 0, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस करणी में 8y गुणे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे करणी में 2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा बटा में करणी में 2 बराबर 0। इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा, करणी में 16y बटे करणी में 2 बराबर 0। करणी में 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 3y करणी में 16y बराबर 0। इससे और सरल बनाया जा सकता है, ध्यान से देखो, माइनस 3y करणी में 16, करणी में 16 और 16 एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y पहले से यहाँ है ना, तो क्या मिला, माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो y की वैल्यू को मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। तो समीकरण 3 से
ठीक है, समीकरण तीन क्या दिया है, x इक्वल टू माइनस करणी में -3 y बटे करणी में 2, ये हो जाएगा माइनस करणी में 3, y की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, यानी कि ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0, यानी कि इस समीकरण में x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू भी 0 आएगी। बोर्ड एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करणी वाला क्वेश्चन है, लोगों को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है ना, तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क लगा लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2। ध्यान से देखोगे तो यह जो समीकरण दिया है क्या दिया है, बटा में दिया है, तो पहले हम इसको इसमें तिर्यक गुणा करके सरल बनाएंगे, 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा 9x, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा -10y, इन दोनों का गुणा आपस में तो हो जाएगा 6 इक्वल टू -2। अब इस 6 का गुणा -2 के साथ करेंगे, 9x-10y ये हो जाएगा -12। अब ये हमारा क्या हो गया, सरल फॉर्म बन गया, तो हम इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या दिया है, x/3 + y/2 बराबर 13/6। यह समीकरण भी हमें बटा में दिया है, तो पहले तिर्यक गुणा करके क्या करेंगे, सरल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x+3y/6 = 13/6। इस 6 का गुणा इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, ऊपर चला जाएगा, 2x+3y = 13, ये 6 ऊपर है, नीचे पहले से ही 6 है, तो 6 से 6 कैंसल, तो ये आ जाएगा 2x+3y = 13। यह समीकरण भी सरल फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो विस्थापन विधि में क्या करना होता है, किसी भी समीकरण से x बराबर या y बराबर आप मान निकाल लो, तो जो भी समीकरण तुम्हें आसान लगे उससे निकाल लो। मैं समीकरण 2 ले रहा हूँ, समीकरण 2 क्या दिया है, 2x+3y = 13, तो ये हो जाएगा 2x 13, 3y को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3y, हमें x बराबर चाहिए तो 13 - 3y, 2 क्या हो जाएगा, बटा में हो चला जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा है x के साथ, हमें x बराबर मिल गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 जो आया है समीकरण 2 से ही आया है, तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, अगर आपने इसमें रखा तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि समीकरण 3 इसी से तो आया है ना। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, 9x-10y = -12। 9x की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाली टर्म रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 13 - 3y/2 -10y = -12। अब हमें करना क्या है, इस 9 का गुणा इस ब्रैकेट के साथ करना है, क्या हो जाएगा, 13 * 9 कितना हो जाएगा, 117, 9 * 3 = 27, लेकिन -27y आएगा, बटा 2 आएगा, यहाँ माइनस
10y = -12। ध्यान से देखोगे तो यह बटा में है, ये बटा में नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, बटा लगा लो। हम किसी भी संख्या के नीचे बटा वन कर सकते हैं ना, तो तिर्यक गुणा कर लो। एक का गुणा इसके साथ करोगे तो यही मिलेगा 117 -27y। दो का गुणा 10 के साथ करोगे तो क्या होगा, -20y। और इन दोनों का गुणा आपस में तो हो जाएगा 2 - 12। अब इस दो का गुणा -12 के साथ कर लेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, 117। ये कितना हो जाएगा, -47y जुड़ जाएगा। दो का गुणा इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा -24। 117 -24 को इस साइड लेके आओगे तो बन जाएगा +24। और -47y को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +47y। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 7 11, 2 1 3 और 1 4 1, तो 141 आएगा, 47y। हमें y बराबर चाहिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, 141/47। इसे अगर काटोगे तो क्या आएगा, 3 बार जाएगा, 47 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 141 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया, 3। हमें x का भी मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में y बराबर 3 रख दो, x का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण नंबर 3 यूज़ कर रहा हूँ x का मान निकालने के लिए। समीकरण 3 से क्या दिया है, x = 13 - 3y/2। तो x = 13 - 3, y का मान कितना आया है, 3/2। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -9/2। 13 में से 9 जाएगा 4/2, कैंसल होके आएगा 2। यानी कि x का मान 2 आएगा और y का मान 3 आएगा। तो समझ में आया किस तरीके से विस्थापन विधि का यूज़ करके दिए गए रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है।